सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में कस्टम बॉर्डर या डिजाइनदार बॉर्डर या फिर बॉर्डर का टेम्पलेट कैसे ऐड करते हैं, जैसा कि आपको यहां सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, गूगल डॉक्स पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, नया पेज ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि पेज का साइज हमने थोड़ा छोटा रखा है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कस्टम बॉर्डर कैसे ऐड हो रहा है। अब आपको एक कस्टम बॉर्डर का टेम्पलेट चाहिए होगा, वो आप एक्सटर्नल किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि कॉपीराइट फ्री हो। ठीक है, तो एक टेम्पलेट जो है वो हमने डाउनलोड कर रखा है। ये देखिए, टेम्पलेट यहाँ पर हमने डाउनलोड कर रखा है। अब आपको क्या करना है, इसको पकड़िए और लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभी ये मतलब बॉर्डर बना नहीं है क्योंकि अभी ये इमेज के फॉर्म में, हम बीच में कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इस बॉर्डर को सेट कर लेते हैं। तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए पेज पे, जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर आप मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए फाइल टैब में जाकर के आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए और नीचे आपको पेज सेटअप मिलेगा, यहाँ से आप मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें मार्जिन नहीं सेट करना है तो हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए चारों तरफ ये छोटे छोटे सर्किल या स्क्वायर बन करके आ जाएंगे। तो जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर कई सारे नए ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा इमेज ऑप्शन का। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए और राइट साइड में यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट रैपिंग का, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब टेक्स्ट रैपिंग में यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है बिहाइंड द टेक्स्ट। ठीक है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आप यहाँ पर बीच में कुछ टाइप करना चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ बाहर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप कर्सर आपको यहाँ छोटा सा फिलहाल अभी दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हुए आते हैं और इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पर लेकर के आते हैं। अब यहाँ पर हम जो भी टाइप करना चाहें, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइपिंग शुरू हो गई है। ठीक है, और ये हमारा बॉर्डर के फॉर्म में आ गया है। तो इस तरीके से हम कस्टम बॉर्डर या डिजाइनदार बॉर्डर या फिर बॉर्डर का टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं गूगल डॉक्स में।